दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसे टीवी का, जो कि है एक यहाँ पे रियलमी टीवी और दूसरे तरफ है यहाँ पे नोकिया टीवी। दोनों ही टीवी यहाँ पे 43 इंच के ऊपर देखने को मिल जाते हैं और दोनों की जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में से आपको कौन सा टीवी खरीदना चाहिए, कौन सा टीवी नहीं खरीदना चाहिए, आज इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे हम बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलो यारो, यहाँ पे टीवी को रिमोट के पास पहुंचाते हैं और शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन की। तो जो नोकिया टीवी है वो आपको मिलता है यहाँ पे 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन के साथ, और वहीं रियलमी टीवी आपको मिलता है यहाँ पे सिर्फ फुल HD रिजोल्यूशन के साथ। क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है, लगभग यहाँ पे 10,000 का अंतर मिलता है। क्योंकि जो रियलमी टीवी है वो आपको मिलता है 22,000 के अंदर, और वहीं दोस्तों हम बात करें यहाँ पे नोकिया टीवी की तो वो मिलता है आपको 32-33,000 के करीब, यानी तो यहाँ पे 10-11,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पीकर की। तो यहाँ पे नोकिया टीवी में मिलता है 2 स्पीकर 24 वाट का, और वहीं दोस्तों रियलमी टीवी में मिलते हैं आपको 4 स्पीकर, जो कि आपको मिल जाता है यहाँ पे 24 वाट के ऊपर। तो स्पीकर यहाँ पे सेम है, रियलमी टीवी में मिलता है आपको 4 स्पीकर और नोकिया टीवी में आपको 2 ही स्पीकर देखने को मिलते हैं। हालांकि नोकिया टीवी में जो स्पीकर मिलते हैं वो JBL पावर्ड है। आप अपने सुना होगा कि JBL एक बहुत ही बड़ी कंपनी है म्यूज़िक इंडस्ट्री की, तो JBL पावर्ड यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे DTS साउंड का भी सपोर्ट मिलता है, Dolby Atmos को यहाँ पे सपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों रियलमी टीवी में भी आपको Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है, Dolby ऑडियो आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं, सराउंडेड साउंड भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे कौन सी स्पीकर है इसके बारे में कंपनी ने भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रोमकास्ट की। तो दोनों ही टीवी में आपको बिल्ट क्रोमकास्ट का सपोर्ट मिलता है, गूगल प्ले सर्विस चला सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सारी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेजल्स की। तो नोकिया टीवी में आपको नीचे की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा बेजल्स देखने को मिल जाती है, वहीं दोस्तों रियलमी टीवी में आपको काफ़ी पतले बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं HDMI पोर्ट की। तो आपको 3 पोर्ट मिलते हैं दोनों ही टीवी में, USB के 2 पोर्ट मिलते हैं दोनों ही टीवी में, और यहाँ पे वाईफाई जो मिलता है वो 2.4 GHz के ऊपर दोनों ही टीवी में सेम देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ पे नोकिया टीवी में देखने को नहीं मिलता है, वो है यहाँ पे 3.5mm ऑडियो जैक, जो कि नोकिया टीवी में नहीं मिलता है और यहाँ पे रियलमी टीवी में मिलता है। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और है जो कि नोकिया टीवी में यहाँ पे नहीं मिलता है और रियलमी टीवी में मिलता है, वो है यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपके घर में अगर वाईफाई कनेक्शन आया है, अगर वाईफाई की लेन है यहाँ पे, तो उसे आप डायरेक्ट यहाँ पे टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसे जो है क्या होता है कि आप डायरेक्ट इंटरनेट यहाँ पे चला सकेंगे किसी भी टीवी में। तो यहाँ पे जो है नोकिया टीवी में इसका सपोर्ट नहीं मिलता है और रियलमी टीवी में इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्राइटनेस की। तो यहाँ पे नोकिया टीवी में मिलता है आपको 300 नीट्स की ब्राइटनेस, और वहीं दोस्तों हम रियलमी टीवी की बात करें तो यहाँ पे आपको 400 नीट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि ब्राइटनेस ये 400 नीट्स या फिर 300 नीट्स क्या है। तो दोस्तों जितनी नीट्स की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी आपको जो लाइटिंग कंडीशन उतनी ही अच्छी यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर ब्राइटनेस कम होगा तो आप ज़्यादा लाइट में वीडियो नहीं अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं दिखेगी। तो ये बात को ध्यान रखना है कि जितनी नीट्स की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी आपको जो पिक्चर है वो उतने लाइटिंग कंडीशन में अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम बात करें व्यूइंग एंगल की, तो दोनों ही टीवी में आपको 178 डिग्री के ऊपर यहाँ पे व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाते हैं, जो कि सेम है, आपको किसी भी टीवी में इतना ही देखने को मिल जाता है। आगे हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेन फैक्टर होता है एक स्मार्ट टीवी का। तो यहाँ पे आप नोकिया टीवी में आपको मिलते हैं आर्म कॉर्टेक्स A53 बेस्ड CPUs, जो कि 1 GHz के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं हम यहाँ पे बात करें रियलमी टीवी की, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं मीडियाटेक की तरफ से बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि यहाँ पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। जो ग्राफिक्स है, जो GPU है, वो आपको नोकिया टीवी में मिलता है माली की तरफ से 450, और वहीं दोस्तों हम यहाँ पे रियलमी टीवी की बात करें तो यहाँ पे माली की तरफ से आपको 470 ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो रियलमी टीवी आगे निकल जाता है,
और हम प्रोसेसर की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको रियलमी टी वी काफ़ी आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट यहाँ पे रियलमी टी वी आगे है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। नोकिया टी वी में मिलता है आपको 2.25 GB का रैम और उसी के साथ आपको 8 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और वहीं दोस्तों रियलमी टी वी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है बस 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो रैम के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा आगे हो जाता है यहाँ पे नोकिया टीवी, जो कि यहाँ पे रियलमी टीवी को थोड़ा सा पीछे कर देता है। इसी के साथ दोस्तों जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी वो है यहाँ पे MEMC का फीचर्स, जो कि यहाँ पे आपको नोकिया टीवी में देखने को मिल जाता है और रियलमी टीवी में देखने को नहीं मिलता है। MEMC दोस्तों फीचर्स क्या होती है कि अगर ये आपके टीवी में है तो इससे क्या होगा कि जो आपके टीवी है वो अगर 60Hz रिफ्रेश रेट पर भी है तो भी यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, वो काफ़ी आपको स्मूथ दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कट कट के ऐसा एनिमेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, काफ़ी फ्रेश और स्मूथ दिखेगा। तो ये होता है MEMC का एडवांटेज। इसी के साथ दोस्तों अगर हम यहाँ पे वेट की बात करें तो यहाँ पे नोकिया टीवी आपको मिलता है 9.4 kg के ऊपर, यानी 9.5 kg का देखने को मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो अगर हम रियलमी टीवी की बात करें तो ये आपको मिलता है 6.8 kg के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वेट इसलिए यहाँ पे नोकिया टीवी का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो नोकिया टीवी है उसमें कुछ मेटल्स और कुछ प्लास्टिक के भी यूज़ किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे रियलमी टीवी में सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, इसलिए इसकी वेट जो है थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम पिक्चर इंजन की बात करें तो यहाँ पे नोकिया टीवी में मिलता है वाइड गैमेट कलर का सपोर्ट, जो कि इसकी पिक्चर क्वालिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है, काफ़ी कलरफुल फोटो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वहीं दोस्तों अगर हम मिलता है क्रोमा बूस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि आपको रियलमी के फोन्स में भी देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होगा कि जो कलर है उस ब्राइटनेस या फिर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कलरफुल आपको देखने को मिलेगी, कलर जो है वो काफ़ी इन्हेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोनों में अलग अलग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है कलर को यहाँ पे इन्हेंस करने के लिए। और वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो नोकिया टीवी जो है वो आपको 32-33 हज़ार के करीब देखने को मिल जाता है। हालांकि इसकी सेल अभी शुरुआत नहीं हुई है, यहाँ पे 8 तारीख को यहाँ पे शुरुआत होगी। और जो रियलमी टीवी है वो भी आपको यहाँ पे 22 हज़ार के अंदर में काफ़ी अच्छी डील देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे फुल HD रिजोल्यूशन मिलता है, 4K नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इसी रेंज में आपको मी के भी टीवी मिलते हैं जो कि फुल HD रिजोल्यूशन के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे बेजल्स वाइज भी मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे रियलमी टीवी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि नोकिया टीवी में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेजल्स देखने को मिल जाएंगे। नो डाउट यहाँ पे जो रियलमी टीवी है ये विनर है, क्योंकि इसमें ऐसी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है जो कि आपको यहाँ पे नोकिया टीवी में देखने को नहीं मिलती है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि नोकिया टीवी में मिलता है और रियलमी टीवी में देखने को नहीं मिलती है। हालाँकि जो यहाँ पे कंपनी को क्या करना चाहिए, अगर नोकिया टीवी की प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे रियलमी टीवी में जो है वो तो होना ही चाहिए, और प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे होनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो नोकिया टीवी है वो 33 हज़ार के अंदर है। आप दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों ही टीवी में से कौन सा टीवी यहाँ पे सबसे अच्छा लगा, अपने प्राइस के हिसाब से कौन सा टीवी आप यहाँ पे परचेस करने वाले हैं। अगर दोस्तों यही कंपैरिजन हमारा अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहते हैं। और अगर आपने यहाँ पे मी टीवी का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं देखा है 32 इंच वाला, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पहले से ही वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आपको कोई और भी कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी कंपैरिजन लगाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।